रक्षाबंधन 2024 के मौके पर भोपाल की महिलाओं को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने खास तोहफा दिया है। रक्षाबंधन के दिन महिलाएं भोपाल की सिटी बसों में मुफ्त यात्रा कर लाभ उठा सकेंगी। यह सुविधाएं 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक उपलब्ध होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर बहनों को विशेष तोहफा देने की घोषणा की है। भोपाल नगर निगम ने इस पहल को हरी झंडी दे दी है, जिससे रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को बसों में बिना किराए के यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। भोपाल में कुछ 25 रूटों पर 368 सिटी बसें चलती हैं, जिनमें से 140 बसें पिछले एक महीने से बंद हैं। इस तरह 228 चलती बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। सिटी बसें राजधानी के सभी प्रमुख इलाकों जैसे बैरागढ़, चिराई हॉस्पिटल, अवधपुरी, न्यू मार्केट, अयोध्या बाईपास, करौंद, एसपी नगर, मिसरोद, मंडीदीप, भोजपुर, कटारा हिल्स, बैरागढ़ और चिचली कोलार रोड पर संचालित होती है। प्रतिदिन करीब 1.5 लाख यात्री सिटी बसों में सफर करते हैं, जिनमें 60% पुरुष और 40% महिलाएं होती हैं। रक्षाबंधन के दिन महिला यात्रियों की संख्या 70% तक पहुंच जाती है। इस विशेष पहल से महिलाओं को काफी लाभ होगा। नगर निगम महापौर ने कहा कि रक्षाबंधन पर बहनों को भाई को राखी बांधने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने में सहूलियत प्रदान करने के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है।